पिछली कई वीडियो में ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि लोग बड़े डिमोटिवेट हैं। तो उन सभी को एक बात बता दूं कि आप अगर मेहनत नहीं करोगे आज, तो आने वाले समय में आपकी वो दशा होगी कि जीवन में आपने कभी सोचा नहीं होगा। और बात करूं कि यूपीएससी में ही लग जाया जाए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अगर यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं तो ध्यान रखना, अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो खाली हाथ जब घर लौट कर जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, आपके माता पिता और आप बहुत दुखी होगे उस टाइम पर। इसीलिए कहता हूँ कि अपने साथ में एक पैसिव इनकम और रखिए, कुछ और रखिए, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम बन चुका है जिसकी कंपटीशन इतनी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर आपने आज मेहनत नहीं की तो आपके सक्सेस होने के चांस जो हैं बहुत कम हो जाएंगे। और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब बात करूं कि मोटिवेशन कहां से मिलती है, तो मोटिवेशन कभी भी आपको वीडियो देखने से नहीं मिलेगी। अगर आपको मैं वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा कि आप मेरी वीडियो देख करके मोटिवेट हों, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको मोटिवेशन मिलने का तरीका मिले, कि जहां से आपको मोटिवेशन मिल सके। देखिए, मोटिवेशन हमें कभी भी किसी वीडियो से नहीं मिलती है, किसी व्यक्ति को देखकर नहीं मिलती है। मोटिवेशन हमें अपने माता पिता से मिलती है, उनकी मेहनत से मिलती है। वो जो स्ट्रगल करते हैं उनकी मेहनत से मिलती है, उनके स्ट्रगल से मिलती है। जब वो मेहनत करते हैं, किस प्रकार से पैसा कमा करके और आपको पैसा पढ़ने के लिए देते हैं, तब उसके बाद में आप यूपीएससी की तैयारी कर पा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि कहाँ से पैसा आ रहा है, वो कहाँ से लाके दे रहा है, वो ही जानते हैं। तो इसीलिए आपको दिल लगा कर मेहनत करनी है, बिल्कुल जी जान लगा कर मेहनत करनी है। अगर आपने आज मेहनत नहीं की तो कल आपको रिक्शा चलाना पड़ेगा, रोड पर रिक्शा चलाओगे और उसी से फिर अपने बच्चों को पालोगे, और ढंग से अपने बच्चों को स्कूल में, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाओगे। अपने माता पिता ने, आपके माता पिता ने आपको तक अच्छे स्कूल पढ़ाया होगा, लेकिन आपकी औकात नहीं होगी क्योंकि आप अच्छे स्कूल पढ़ा पाओगे। एक बात बता देता हूँ दोस्तों, कि अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर आपने स्टडी में ध्यान नहीं लगाया, तो गारंटी की बात कहता हूँ कि आप भी रिक्शे वाले की तरह रिक्शा चलाओगे। एक बात सोचना, जब भी आप घर से बाहर निकलो तो उस टाइम पर जरूर सोचना ये बात कि आपने अगर मेहनत नहीं की, आपने अगर स्टडी नहीं की, अच्छे से अगर स्ट्रगल नहीं किया, तो आप भी रिक्शे वाले से और बेहतर बन जाओगे। आप उनसे रिक्शा चलाओगे, आप भी भिखारियों की तरह भीख मांगोगे, या फिर आप भी कहीं नशा करते देखोगे। तो ध्यान रखना एक बात को, कि आप इतनी जी जान से मेहनत करें कि अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को कुछ बनकर दिखाएं, जिससे कि उन लोगों को अपने ऊपर गर्व हो कि हाँ, कोई है ये भी जिसने यूपीएससी को टॉप किया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।